नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। आंदोलन के 4 महीने होने पर किसानों का आज भारत बंद, और इसके साथ ही बिहार में भी विपक्ष ने विधानसभा में बदसलूकी के मामले को लेकर बिहार बंद बुलाया है। तो सुबह से बात अगर बिहार की करें तो कई शहरों में हंगामा लगातार हो रहा है। कई जगह पर टायर फूंक कर हाईवे रोक दिया गया। हाजीपुर, बेगूसराय, दरभंगा, आरा में आरजेडी ने शहरों की रफ्तार ही रोक डाली। बिहार पर आज दोहरी आफत। ट्रैक्टर लेकर सड़कों पर उतरे विधायक, किसानों के साथ आरजेडी का बंद, सड़कें जाम, हाईवे पर रुकी रफ्तार। हाजीपुर की तस्वीरें बता रही हैं कि बिहार का आज क्या हाल हुआ है। हंगामा, बवाल, टायर जलाने का खेल सुबह से ही शुरू हो गया। हाईवे पर आरजेडी के विधायक ट्रैक्टर के साथ उतर आए। आरजेडी का ज्यादा गुस्सा विधानसभा में विधायकों की पिटाई को लेकर था। उत्तर बिहार को राजधानी पटना से जोड़ने वाले NH 22 और NH 31 पर कई जगह आगजनी की तस्वीरें सामने आई। नीतीश कुमार जी सुशासन बाबू के नाम से जाने जाएंगे। जिस तरह का काला अध्याय 23 तारीख को लोहिया जयंती के अवसर पर विधानसभा में लोकतंत्र के मंदिर में लोकतंत्र का चीरहरण हुआ है, इसी के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, किसान बिल के खिलाफ और युवाओं को रोजगार के लिए हम लोग आज सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं। आज पूरे बिहार में जो है वो चारों तरफ चक्का चक्का जाम है। जब बाल घसीटा जा रहा होगा तो नीतीश कुमार जी के मन में शांति हो रही होगी, खुशी मिल रही होगी। नीतीश कुमार जी की थोड़ी सी भी अब शर्म बची रही है। हाजीपुर में बवाल इतना जमकर हुआ कि इसमें बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय झा भी फंस गए। पुलिस ने मुश्किल से उनको भगवानपुर में NH 77 पर जाम से निकाला। इस दौरान सड़कों पर टायर जलाकर आरजेडी समर्थक नारेबाजी करते रहे। और ये तस्वीरें बेगूसराय की हैं, वही हंगामा और वही जाम। सुबह से आरजेडी कार्यकर्ताओं ने NH 31 को जाम कर दिया। यहाँ वाहनों की लंबी कतारें लग गई। लोग सर पर सामान लादकर आगे बढ़ने पर मजबूर हो गए। पुलिस जुल्म और जो पुलिस अधिनियम 2021 जो ला रही है नीतीश कुमार, ये आम जनता के हित की अधिनियम नहीं है। जब तक वापस नहीं लेगी बेरोजगारों को नीतीश सरकार रोजगार नहीं देगी। किसान जो आंदोलन कर रहा है, किसानों जो 3 खतरनाक कृषि बिल लाया गया है, जब तक वह बिल वापस नहीं केंद्र सरकार लेगी, लगातार हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। हाजीपुर, बेगूसराय में सड़कों पर बवाल था तो दरभंगा में रेल की रफ्तार रुक गई। दरभंगा के लहरिया सराय स्टेशन पर जमकर बवाल हुआ। सुबह ही ट्रेनें रोक दी गई। मुजफ्फरपुर में भी हंगामे की तस्वीरें लगातार सामने आई। अहियापुर इलाके में 0 माइल चौक पर आरजेडी ने जाम लगाया तो मुजफ्फरपुर से उत्तर बिहार के विभिन्न जिलों में जाने वाले रास्तों को रोक दिया गया। स्कूल जा रहे बच्चे और टीचर परेशान हो गए। परेशानी हो रही है, आज हम लोग का मीटिंग भी था वो छूट रहा है, इमरजेंसी है, जाना जरूरी है। कहाँ पे जाना है? हम लोग तो सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट में पोस्टेड हैं। हम लोग रुडनी सैदपुर ब्लॉक में। किस पद पर है? हम लोग टीचर हैं। जाना है थुम्मा में, हम लोग तो खुद परेशान है, अभी इस वजह से हम लोग जाएंगे नहीं। किसानों के बंद से लेकर आरजेडी का बिहार बंद कुछ ही घंटों के भीतर बिहार के लोगों को परेशान कर गया। हाजीपुर से संदीप आनंद, बेगूसराय से सौरभ, मुजफ्फरपुर से मणिभूषण के साथ दरभंगा से प्रहलाद कुमार, आज तक ब्यूरो।
और दूसरी तरफ बिहार की राजधानी पटना में भी बंद का अच्छा खासा असर देखने को मिला। आरजेडी विधायकों ने कई जगहों पर जाम लगाया, बता रहे मेरे सहयोगी सुजीत झा। किसानों के भारत बंद का असर बिहार में भी दिख रहा है, लेकिन बिहार में किसानों से ज्यादा यहाँ बंद का मामला राजनीतिक है। यहाँ महागठबंधन के सभी दल आरजेडी कांग्रेस ये तमाम लोगों ने बंद का समर्थन किया है, लेकिन किसानों की समस्या से ज़्यादा यहाँ जो मामला है 23 मार्च को जिस तरह से लाठीचार्ज किया गया आरजेडी के कार्यकर्ताओं पर, उसको लेकर ज़्यादा विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। आप देख रहे हैं कि ये पटना का बाईपास है और ये बाईपास पिछले कई घंटों से जाम है। यहाँ जाम छुड़ाने वाला कोई नज़र नहीं आ रहा है, प्रशासन के कोई लोग नहीं हैं। तो लगातार जो लोग भी सफ़र कर रहे हैं, जो बाहर से आ रहे हैं, जो बसों से अपने घरों को जाने वाले हैं, उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं कितने लोग पैदल ही अपने गंतव्य की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो ये तो पटना का दृश्य है। गांधी सेतु भी उसी तरीके से जाम है, उत्तर बिहार जाना मुश्किल है, तमाम तरह की मुश्किलें हैं आम जनता के लिए। पटना बाईपास में घंटों से बसें खड़ी हैं, यात्री जो कि बाहर से दूसरे राज्यों से दिल्ली से या मुंबई से आ रहे हैं, उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ कुछ यात्री हैं, बताइए कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ जाना है, कितनी देर से आप खड़े हैं, क्या परेशानी है? दिल्ली से आ रहे हैं हम लोग और मुजफ्फरपुर जाना है, और घर पे त्यौहार है, और अभी देखिए यहाँ रुक गए हम लोग, कब जाएंगे पता नहीं। आप कहाँ से आ रहे हैं? हम तो यहीं से आ रहे हैं, यहीं से जा रहे हैं, घर पे जाना है होली है इसीलिए। वैसे किसानों के इस भारत बंद का सबसे ज्यादा असर कहीं देखने को मिल रहा है तो वो है दो राज्य जिसमें हरियाणा और पंजाब का जिक्र करेंगे। सोनीपत की बात करें तो गांव वालों से किसानों की झड़प वहां पर हो गई। अमृतसर से लेकर अंबाला तक किसानों ने सुबह से ही रेल की पटरियों पर कब्जा जमा रखा है, हाईवे पूरी तरह से ठप है। महीने से दिल्ली की चौहदी पर डटे किसानों का अब लोगों से सीधा टकराव हो रहा है। तस्वीरें सोनीपत पर कुंडली बॉर्डर की हैं। यहां किसान और प्रीतमपुरा गांव के लोग भिड़ गए। सोनीपत पुलिस के सामने ही गांव वाले और किसान आमने सामने आ गए। दोनों तरफ से पुलिस के सामने ही लाठी डंडे और पत्थर चलने लगे। तनाव देखकर भारी तादाद में पुलिस बल वहां पहुंचा। पंजाब और हरियाणा के दूसरे शहरों में भी किसानों ने जमकर हंगामा किया, हाईवे जाम कर दिया, रेल की पटरियों पर कब्जा कर लिया। ये तस्वीरें हैं अमृतसर की। दिल्ली अमृतसर के बीच रेल रुक गई क्योंकि पटरियों पर किसान जमा थे। सिर्फ अमृतसर में ही 88 जगहों पर किसानों ने धरना देकर रास्ता रोका। बरनाला में तो सुबह 6 बजे से ही रेल लाइनों पर किसानों का कब्जा हो गया था। सड़कों पर भी किसान थे और बाजारों में सहमे लोगों ने अपनी दुकानें खोली ही नहीं। अंबाला में भी किसानों ने रेल के पहिए जाम कर दिए। दिन चढ़ते ही किसानों ने अंबाला में नेशनल हाईवे को जाम कर दिया। दिल्ली अमृतसर रेलवे ट्रैक पर भी किसानों का कब्जा था। जाम में फंसे मुसाफिर किसानों से हाथ जोड़ कर निकलने की गुजारिश करते रहे। शांतिपूर्ण आंदोलन प्रजातंत्र का अंग हिस्सा है, उससे हम सहमत हैं। फतेहाबाद में भारत बंद का भी अच्छा खासा असर देखने को मिला। सुबह का उजाला ठीक से हुआ भी नहीं था कि फतेहाबाद चंडीगढ़ मार्ग को जाम कर दिया गया। मोहाली में पुलिस को रास्ता डायवर्ट करना पड़ा, वाहनों की लंबी कतारें लग गई क्योंकि रास्तों पर किसानों का कब्जा था। किसानों द्वारा भारत बंद के आह्वान का असर हरियाणा और पंजाब में देखने को मिल रहा है। हरियाणा में जगह जगह पर शहरों में जीटी रोड पर और अन्य सड़कों पर सुबह सुबह से ही अपने ट्रैक्टर लगाने शुरू कर दिए हैं, तो अमूमन इसी तरह के हालात पंजाब के हैं। फिलहाल हम मोहाली में मौजूद हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पुलिस ने भी
लोगों को जाम से बचाने के लिए बैरिकेडिंग यहां पर की हुई है। इससे थोड़ा सा आगे किसान धरने पर बैठे हुए हैं और ये हाईवे है जो लुधियाना, चंडीगढ़, पठानकोट, अमृतसर को जोड़ता है। किसान आंदोलन में सबसे ज्यादा पंजाब हरियाणा के किसानों की भागीदारी है और आज भारत बंद में भी इन दोनों सूबों में सबसे ज्यादा असर दिखा। अंबाला से कमलप्रीत सब्रवाल, सोनीपत से सत्येन चौहान, अमृतसर से अमित शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। फिलहाल यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए आज तक।